और थोड़ा सा हमने के थोड़ा सा मन बढ़ुआ हो गया सर, वो जानते भाई। हम एक जगह शूट करने गए थे, एक आदमी ऐसे खड़ा था, थोड़ा पेट निकला था उनका। अब बोले कि भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, तो ऐसे हो गए वो। अगर ये बताइए 5 घंटे में नहीं होता, वही अगर 24 घंटे में होता तो कितना लगता। और पूरी टीम की तो एक केसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम ये जो म्यूजिक और लिरिसिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, डीके दीवाना और शुभम राज आल्सो नोन एज एसबीआर, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम एज अ डियो इनके साथ काम किया है। और आई थिंक आप सभी लोगों को ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ऑन स्क्रीन एंड विद रिस्पेक्ट टू मतलब म्यूजिक इज कंसर्न। तो किसी का कोई सवाल है? कोई एक ही आदमी पूछूंगा कि सब लोगों को सवाल सबके मिलता है, माइक देना पड़ेगा ना, किसी एक आदमी को दीजिए जो सवाल कर सके और सबके लिए हो रहा है। ये बद्री जी बताएं। तो बेसिकली जैसे अभी इनका लास्ट सॉन्ग आया था नथुनिया के बाद हम लोग हारमोनिया लाए, तो अगर एक ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट करना होता है तो तबला बचा हुआ था, तो हमने कहा कि तबला पे शुरू हो जाते हैं। तो जो सर बात, बट दिस सॉन्ग इज मतलब ये सॉन्ग ही तबले के ऊपर बेस्ड है, मतलब कैसे आप इंजॉय करते हैं एक महफिल में, तो इसलिए इसका नाम तबला को। बंद कमरे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर कितनी होगी बहन। एक काम करो, आप सिक्योरिटी का जिम्मा हम आपको दे देते हैं, हम कल ही से शूट यहाँ करना शुरू कर देंगे। इस गाने में खूबसूरती कहाँ दिखता है? खाली लाइट दिखा है बाहर। क्या हुआ? नहीं, वो बातें नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, नहीं बोला। जब आदमी शूटिंग करने जाता है तो भीड़ बहुत आती है, और भीड़ आती है तो उसके लिए कम से कम 500 फोर्स चाहिए ताकि आदमी शूट कर सके। हम जिधर कैमरा घुमाते हैं उधर लोग खड़े रहते हैं, तो हम वो शूट नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन का और सरकार का भी अगर मदद मिला, सब्सिडी मिला, अगर सरकार हमें परमिशन दी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आदमी आता है तो प्रॉब्लम होता है, जब कैमरा घूमता है तो हर जगह लोग रहते हैं और हम वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें ज़रूरत इस लोकेशन का है और वहाँ लोग खड़े होते हैं। और थोड़ा सा हमने के थोड़ा सा मन बढ़ुआ हो गया सर, वो जानते भाई। हम एक जगह शूट करने गए थे, एक आदमी ऐसे खड़ा था, थोड़ा पेट निकला था उनका। अब बोले कि भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, तो ऐसे हो गए वो। तो पीछे नहीं, इसलिए उन्होंने पेट को अंदर किया, बोले कि सर साइन हो गया ना, यही लोकेशन दिख रहा था ना। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, सरकार की अगर ऑपरेशन हमें मिले, तो हमें तो अच्छा ही लगता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। अभी यूपी में तो कर ही रहे हैं हम लोग, जितना भी मेरा सिनेमा बन रहा है यूपी में बन ही रहा है, लेकिन थोड़ा हाँ सब्सिडी मिलता है तो सरकार ही देता है ना, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और सरकार का भी हेल्प मिलता है, लोकेशन को परमिशन देने में दिक्कत नहीं होती है, तो आदमी करता है। अब गाने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सिनेमा होगा तो यहाँ होटल बुक होंगे, ट्रेवलिंग खर्चा होगा, खाने का होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सिनेमा अगर सरकार हमें परमिशन देगा, सब्सिडी का अगर जरिया यहाँ भी शुरू हो गया, तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम करते हैं। अच्छे बताइए, बिहार सरकार को हमें समझाने की ज़रूरत है? हमें समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा कोई को हमारा कहला से स्कूल बनल बा, कोई को हमारा कहला से अस्पताल बनल बा, अच्छा कोई को हमारा कहला से रोड बनल बा। गाने के बारे में बात कीजिए ना, ये ऐसा नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है। कई जगह सब्सिडी, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह तो चीज़ें हो ही रही है, तो देख के तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए ताकि हम भी आकर यहाँ पे काम करें। हमारा तो घर ही है, हमें तो और खुशी होगी कि हम यहाँ आकर काम करें और अपने लोगों के बीच में रहकर काम करें। इस गाने का ऑडियो सारे का पहले रिलीज होने से 4 घंटा पहले किसी अन्य चैनल से रिलीज हो गया था। बद्री भैया सर आपसे सवाल करें, सामने से
ये गाना मतलब सारे गामा से रिलीज होने से पहले किसी अन्य चैनल से इसका ऑडियो रिलीज हो चुका था। हमारे गाना दो दिन पहले हम रिलीज हो जाला तो बाद फिर रिलीज होला तो होता है। देखिए नम्रता जी एक सवाल आपसे होगा, बद्री भैया से कोलकाता में सवाल हमने किया था, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों सुपरस्टारों के साथ, तो क्योंकि इनको कोई सा भी लुक दे दो तो उस लुक में मतलब ढल जाते हैं, मतलब इनको वो लुक दिया तो हमने सोचा कि इस बार बेयर बॉडी ना करके इस बार ये लुक देते हैं। मतलब आप समझिए कि मतलब मुजरा वाला फील था एकदम वहाँ पर, और खेसारी भाई ने एक एक मिनट के अंदर सारे शॉट किए, मतलब और नम्रता ने भी साथ में, दोनों ने मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मतलब मज़ा आ गया। मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी हमारे को शूट में, 5 घंटे या 6 घंटे में हमने शूट किया है, लेकिन सारे गामा को पैसा बहुत लग गया।